की बार एक सीट हमार, जूनियर शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा एमसीक्यू की सीरीज खंड क में 50 प्रश्न सभी के लिए अनिवार्य है। वो 50 प्रश्न की सीरीज अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जिसमें सामान्य अध्ययन जीएस जीके करंट रजनी के टॉप 50 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। इस प्रश्न में 50 में आप कितने सही करते हैं यह आज आपको करने के बाद पता चलेगा कि आप वास्तव परीक्षा में कितना कर पाते। जल्दी से कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारे तथ्य आपको लिखने पड़ेंगे और आज आपको यह भी पता हो जाएगा कि परीक्षा का स्टैंडर्ड क्या होगा, कहां कहां से प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो जल्दी से कॉपी कलम लेकर बैठिए, ये निशुल्क क्लास देश हित में राष्ट्रहित में आपके लिए प्रतिदिन रात 9:30 बजे, तब तक जब तक आप सेलेक्ट ना हो जाए, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पहला प्रश्न आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, जी हाँ, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात किया जा सकता है। तो बिना देरी किए कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो किसके माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है, मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ, जल्दी कमेंट करके बताइए कि दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा, हाइड्रोमीटर, बीट्रोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, लैक्टोमीटर से। क्या होगा, लैक्टोमीटर से, कि शुद्धता की माप लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है, ठीक है। लेकिन ब्यूटीरोमीटर दूध का या दूध उत्पादन में ये वसा की मात्रा, ये दूध में वसा की मात्रा, थर्मामीटर तापमान। तो यहां से 3 प्रश्न आपके तैयार हो गए, लेकिन एक सवाल आपसे है कि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है। जी हाँ, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, बिना देरी किए आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक। अगला सवाल आपके सामने है, चलिए ध्यान से देखते हैं। कह रहा है सीएफएल का पूर्ण रूप क्या है, जल्दी से कमेंट करिएगा सभी साथी, फटाफट कमेंट करिएगा कि सीएफएल का पूरा फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है, जल्दी कमेंट कर बताइए। यार एकदम आसान प्रश्न है, परीक्षा वाले प्रश्न है। सीएफएल का पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, इसका पूरा नाम होगा। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, शेयर कर दीजिए इंटरनेट। अगला प्रश्न है आपके सामने, इंटरनेट कार्य करता है। आप लोग भी वीडियो को लाइक का बटन दबाने के बाद ना सबसे पहला काम वीडियो को शेयर करिए, यकीन मानिए अच्छा काम करेंगे तो भगवान हमेशा आपके साथ रहेगा, गलत वाले प्रश्न का भी गोला सही हो जाएगा। जी हाँ, अगला प्रश्न है, इंटरनेट का कार्य है केवल सर्किट स्विच पर, केवल पैकेट स्विचिंग पर, दोनों सर्किट तथा पैकेट स्विचिंग पर, उपरोक्त में से कोई नहीं पर। जी हाँ, इस प्रश्न का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, केवल पैकेट स्विचिंग पर। देखते हैं, टेलीफोन प्रणाली अगर हम बात करें तो ध्वनि संदेशों को पसारने हेतु सर्किट स्विचिंग का प्रयोग करते हैं, जबकि इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर आधारित, इंटरनेट जो होता है वो किस पर होता है, पैकेट स्विचिंग पर आधारित होता। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी सही जवाब होगा। अगला सवाल है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम परीक्षा वाले प्रश्न है, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है, जल्दी कमेंट करके बताइएगा सभी साथी, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा, गलत या सही जवाब जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे साथी, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, जेली बनाने हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अमरूद। क्या होगा, अमरूद इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखिए, पपीते में पपाइन नामक यौगिक पाया जाता है जो जेलेटिन को सेट नहीं होने देता, अतः जेली बनाने तो श्रेष्ठ फल नहीं है। आम में कैथ में पेक्टिन की उपस्थिति क्रम से कच्चे पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, लेकिन अमरूद में पेक्टिन की उपस्थिति के लिए यह शर्त अनिवार्य नहीं है, अमरूद जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल होगा। जी हाँ, ध्यान से व्याख्या सुनिएगा कि पपीते में पपाइन नामक यौगिक पाया जाता है, पपीते में क्या होता है, पपाइन नामक यौगिक पाया जाता है जो जेलेटिन को सेट नहीं होने देता, किसको, जेलेटिन को सेट होने नहीं देता, इसी जेली बनाने में श्रेष्ठ फल नहीं है। अगर हम आम और कैथ की बात करें तो ये आम और कैथ में
पेक्टिन की उपस्थिति कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, पूर्णतः कच्चे और परिपक्व होने पर निर्भर करती है, जबकि अमरूद की बात करें इसमें पेक्टिन की उपस्थिति के लिए शर्त अनिवार्य नहीं है। इसलिए दिए गए विकल्प में से अगर आपको छांटना होगा तो सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक देश गेहूं तथा चावल दोनों में संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? जी हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। 5 का होगा ए, चीन। क्या होगा? चीन। खाद्य कृषि संगठन सांख्यिकी विभाग ने 2017 के आंकड़े हैं ये, ठीक है। चलिए, चीन गेहूं चावल दोनों में है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत उपस्थित है? जी हाँ, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के पास सबसे पहले क्या है, एक क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, समताप मंडल। ओजोन परत पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं इसे, और ओजोन परत, ओजोन लेयर जो है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज परावैगनी किरणों को रोकती है। जी हाँ, और हवाई जहाज को उड़ने के लिए यह मंडल सबसे उपयुक्त माना जाता है। किसके लिए? हवाई जहाज को उड़ने के लिए यह मंडल सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक, समझ में आ रहा आप लोग को? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को आप, मुझे कहना थोड़ा सा अचरज सा लग रहा है, आप लोग इस वीडियो को पहला काम शेयर कर दीजिएगा और लोगों तक तो पहुंच जाए। अगर ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाए तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला सवाल, सूर्योदय का देश कौन सा प्रसिद्ध है? देखिए, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होगा, ये हमारी पृथ्वी है, सबसे पहले सूरज कहाँ उदय होगा बताइए, आप कहेंगे सर ईस्ट में, तो सबसे ईस्ट में कौन सा देश है, सबसे ईस्ट में कौन सा देश है? देखिए, जापान, क्योंकि जापानी लोग अपने देश को क्या कहते हैं, निप्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? निप्पन कहते हैं। निप्पन का मतलब होता है सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, मध्यरात्रि का देश किसे कहते हैं? मध्यरात्रि का देश किसे कहते हैं कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि मध्यरात्रि का देश किसे कहते हैं। ठीक है, सूर्योदय सबसे पहले पूरब में होता है ना, पूरब में कौन सा देश है, यहाँ पे जापान है। ठीक, मध्यरात्रि का देश किसे कहते हैं कमेंट जरूर करिएगा। अगला, गोभी का मरुस्थल किस देश में है? जी, एशिया का एक शीत मरुस्थल भी है। ठीक है, और ये कहां पर है, ये चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर है, मंगोलिया की राजधानी उड़ान बटोर है। यह मरुस्थल अल्टाई पर्वत से घिरा है। किस पर्वत से? अल्टाई पर्वत से घिरा है, इसलिए इसे शीत मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, यह उत्तरी चीन में और दक्षिण मंगोलिया में स्थित है। यहां पर दो कुबड़ वाले ऊंट मिलते हैं। कितने? दो कुबड़ वाले ऊंट भी मिलते हैं। ठीक, जी हाँ, मतलब आप लोगों ने हमारी क्लास पढ़ी है तो आप इसका जवाब जरूर दे लेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला है, 82.5° पूर्वी देशांतर पर मध्यान्ह हो तब प्रातः 6:30 किस देशांतर पर या अंश पर बजेंगे? थोड़ा सा आसान सा प्रश्न है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 82.5° पूर्वी देशांतर पर मध्यान्ह हो तो इसको कैसे निकालेंगे? 6:30 का मतलब क्या होगा? 6:30 प्रातः का मतलब होता है, क्योंकि हम जानते हैं 82.5° में 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है, इसलिए यहां पर इसका उत्तर क्या होगा बताइए जरा। देखिए, 6:30 किस देशांतर पर अंश पर बजेंगे? अगर 82.5° पूर्वी देशांतर पर मध्यान हो तो मध्यान का मतलब क्या होगा? दिन भोर होगा। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे बताइए। देखिए, अगर पूरी देशांतर पर हो रहा है तो मध्यान्ह की बात हो रही है, मध्यान्ह माने अगर हम 12 बजे की बात करते हैं तो ये 6:30 है, तो 6:30 बजे में कितने का अंतर होगा, मतलब लगभग 5.5 घंटे का अंतर दिख रहा है। इन दोनों में कितने का अंतर दिख रहा है? 5.5 घंटे का अंतर होता है 0 से, तो 1 घंटे में 15 देशांतर का अंतर होता है, इसलिए 5.5 घंटे घूमने में कितना लगता है, 82.5° का अंतर होता है। यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो 0° देशांतर होगा। यहाँ पे क्या होगा? 0° देशांतर होगा। यहाँ पे जो घड़ी का टाइम है वो 5:30 कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? 5:30। ठीक है, 5:30 कर लीजिएगा, टाइपिंग में गलती हो गई है। यहाँ पे क्या होगा? 5:30। देखिए, मैं इसको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे जो प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पे प्रश्न क्या होगा, ये जो 6:30 दिया है ये होगा 5:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे। ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया है। तो हम ये जानते हैं 5.5° पूर्वी, तो यहाँ पे 0° से 82° जाने में कितना समय लगता है,
5 घंटा 30 मिनट। फिर जब पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर होगा, ठीक मध्याह्न के 12 बजेंगे। ठीक है, ठीक है, एक दिक्कत। दूसरी बात यहां पे जानते रहिएगा, यहां पर ये 6:30 बज रहा है, तो 6:30 में 5 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रात्र के 12 बज जाएंगे। ठीक है, ठीक है, रात के 12 बज जाएंगे, तो अभी यहां पे 0 होगा, लेकिन इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, यहां पे 5:30 कर लेंगे। ठीक है, अगला, सूर्य ग्रहण कब होता है, प्रश्न नंबर 10, ध्यान से आप लोग को बताना है सूर्य ग्रहण कब होता है। जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा सूर्य ग्रहण कब होता है, थोड़ा सा तेजी से पढ़िएगा, 50 प्रश्न की प्रश्न बैंक है आपके लिए। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे साथियों, सूर्य ग्रहण कब होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए, न्यू मून डे को, किस दिन, न्यू मून डे को होता है। इस दिन अमावस्या, क्या होते अमावस्या, सोचिए आप अमावस्या जानते थे, विकल्प में ही नहीं दिया था, इसका उत्तर होगा प्रतिपदा। सूर्य ग्रहण कब होता है, देखिए जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच, देखिए हमारा ये हो गया शन हो गया, ठीक ये हमारा अर्थ हो गया, ये बीच में हमारा मून, अब सूर्य किरणें नहीं पहुंच पा रही है, इस दिशा को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं, क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण हम कहते हैं, या सूर्य ग्रहण के नाम से हम इस दशा को जानते हैं। आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, यार आपकी संख्या इतनी कम है यार, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आते हैं खोज खोज कर, इतना तो बनता है यार, लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा अमावस्या अगर विकल्प ना देता तो प्रतिपदा होता, और इसको क्या कहते हैं, न्यू मून भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जबलपुर, ये भेड़ा घाट है आपका, लेकिन इसका उत्तर होगा मकराना। मकराना कहाँ है, राजस्थान। कौन सा जिला है, नागौर जिला। ठीक, यहां पे मकराना संगमरमर इसे कहते हैं, ये ताजमहल विक्टोरिया मेमोरियल यहीं से ले जाके बना है। ठीक, जैसलमेर सबसे ज्यादा, भारत का सबसे ज्यादा टेम्परेचर जैसलमेर में है। सिंहभूम किस लिए प्रसिद्ध है, सिंहभूम किस लिए प्रसिद्ध है, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। भारत के निम्न राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहते हैं, किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, जवाब आपका जरूर चाहिए, चाहे इसे फेसबुक पे दीजिएगा, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा, फटाफट कमेंट करिएगा। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। गन्ना और चीनी भी दोनों क्या है, अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्लियर, कोई डाउट किसी को नहीं है ना, चलते हैं अगले सवाल पर। अब ध्यान से देखना है आपको, भाखड़ा नागर परियोजना बड़ा है लेकिन मैं छोटे में बता दूंगा, संयुक्त परियोजना किसकी है, जवाब जरूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 13, जल्दी कमेंट कर बताइए, देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहां पर होगा ये पंजाब हरियाणा और प्लस राजस्थान, मान इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। यह हरियाणा पंजाब राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, इसमें भाखड़ा और नागड़ के पास सतलज नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया है। इस परियोजना कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में विस्तारित है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, भाखड़ा अलग है, नागड़ अलग है, भाखड़ा किस राज्य में है, नागड़ किस राज्य में है, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला सवाल है आपके बीच, दामोदर किसकी सहायक नदी है, यह भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, यह क्या है, भ्रंश घाटी में बहने वाली एक नदी है, तो जवाब जरूर दीजिएगा किसकी सहायक नदी है, बताइए कमेंट करके सभी लोग। पद्मा देखिए, ये गंगा का
बांग्लादेश में नाम है। हुगली, किसकी? हुगली। 20 प्रश्न का सही जवाब होगा, क्या होगा? 20 का सही जवाब होगा पद्मा गंगा का बांग्लादेश में नाम है। बांग्लादेश में पद्मा किस नदी कहते हैं? गंगा नदी को कहते हैं। यदि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अब मैं ये देखूंगा कि कौन इस प्रश्न का जवाब देगा। यदि एक विद्युत ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है तो इंजन का धुआं किस दिशा में जाएगा? 15 का जवाब देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। 15 का जवाब जो देगा वो ये माना जाएगा कि वो वीडियो को शेयर जरूर करेगा। प्रश्न नंबर 15 का जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी। ये सिलेक्शन वाले प्रश्न है, खंड क सबके लिए अनिवार्य है, ठीक है। यहां पर आपको थोड़ा सा 100 ग्राम दिमाग खर्चा करना था, ठीक। 15 का क्या होगा? धुआं नहीं होगा, क्योंकि इससे धुआं नहीं निकलता, विद्युत ट्रेन से धुआं नहीं निकलता। भैया बताइए, विद्युत ट्रेन से धुआं निकलेगा? कुछ लोग डी बता रहे हैं, धुआं नहीं निकलेगा, इंजन का धुआं निकलेगा ही नहीं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे चलते हैं। नीचे 4 बार एक पासा को फेंका गया जिसके परिणाम निम्नलिखित आए हैं। 1-4 में दर्शाए गए, 1 से लेकर 4 तक दर्शाए गए। तो प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, आपको यह बताना है कि 3 के विपरीत दिशा में क्या होगा। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। देखिए, अगर आप बताना चाहेंगे तो एकदम आसान से बता लेंगे, एकदम हलवा वाला प्रश्न है। जल्दी कमेंट कर बताइएगा। देखिए, एक चीज हम आपको यहां बताएं, बहुत अगर करना चाहें तो कई तरीका इसको हल करने का, तो कौन सा तरीका हम आपको बताएं? चलिए ध्यान से देखते हैं, 3 के विपरीत क्या होगा। हम यहां पे देखते हैं 3 के विपरीत में क्या, 3 है, 3 के पास हमें 6 दिखा, 1 दिखा, 3 के बाद क्या दिखा, 1 है, ये है 5 दिखा, 3 के विपरीत क्या दिखा, 6 और 2 दिखा, इसके विपरीत क्या नहीं दिखा। तो 3 के विपरीत हमें क्या नहीं दिखा, 4 नहीं दिखा, इसलिए इसका विपरीत क्या होगा, 4 होगा। क्योंकि कभी भी विपरीत फलक किसी भी फलक के साथ नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा? ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कि देखिए, 3 के 6 और 1 है तो 6 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं होता। 3 का विपरीत क्या है, 5, यहां देखिए 5 दिया है ना, तो 5 भी नहीं होगा, बचा क्या, 4। माने विपरीत सतह कभी आमने सामने नहीं हो सकते, तो 3 के आसपास के फलक दिख रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, कोई डाउट किसी को नहीं है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, ये डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके, सभी लिंक आपको वहां पर मिल जाएगी। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश है। देखिएगा, यदि आर का अर्थ प्लस है, तो यहां पर आर का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। फिर कह रहा है यस का अर्थ क्या है, गुणा है, टी का अर्थ भाग है, यू का अर्थ माइनस है, तो बताइए क्या होगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 + 5 × 30 / 10 - 7, तो क्या हो जाएगा, 10 × 30 हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 15 - 7, 15 × 4 = 19 ना, 15 × 4 = 19, 19 में 7 गया 12, इसका उत्तर क्या होगा, ए, 12 इसका सही जवाब होगा। 17 क्या होगा, ए, एकदम हलवा वाला प्रश्न है। अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा, अब आपको केवल ये बताना है। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया। राष्ट्रीय पार्टी की संख्या पहले कितनी थी, 6 थी, फिर 1 बढ़ी, फिर 1 बढ़ी, अब राष्ट्रीय पार्टी कितनी है भारत में, 8 है। भारत में राष्ट्रीय पार्टी 8 है, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। यार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, पैसे नहीं लगेंगे आपके, लोगों तक पहुंच जाएगा, ठीक है।
चलिए देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताइए कमेंट करके। देखिए यहां पर होगा नेशनल पीपुल पार्टी, 7 जून 2019 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने नेशनल पीपुल पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। नेशनल पीपुल पार्टी राष्ट्रीय दर्जा के रूप में प्राप्त करने वाली 8वीं पार्टी हो गई और यह नेशनल पीपुल पार्टी पूर्वोत्तर राज्य की पहली पार्टी है जिसे क्या मिला, यह मान्यता मिला। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी, कितनी पार्टी हो गई, 8। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर सी है। अगला, हाल ही में सुगाधा कुमारी का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा वह किस क्षेत्र से संबंधित थी, शास्त्रीय नर्तक, पत्रकारिता, राष्ट्रीय गायक या कवि, वो क्या थी, कवि थी। और यह 1934 से लेकर 2020 तक ये कार्यकर्ता भी थी, कवि थी। ये केरल में पर्यावरण और नारीवाद आंदोलन में सबसे आगे थी। उन्होंने अपने साहित्य लेखन की शुरुआत 1957 में श्री कुमार के तहत की थी। उन्हें सुगाथा शिक्षक कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, सुगाथा शिक्षक, सुगाथा। ये करण का सवाल है, उन्हें सुगाथा शिक्षक कहा जाता है। उन्होंने देशव्यापी आंदोलन की, ठीक है, ओड टू ए ट्री कविता इनकी लिखी गई थी। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस साइट को बैलसमी रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया, बताइए जल्दी से, हाल ही में किस साइट को बैलसमी रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया, जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइएगा। प्रश्न नंबर 20, देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, भारत ने हाल ही में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को अपने बैलसी रामसर साइट के रूप में जोड़ा। तोस्कर बेसिन एक उच्च ऊंचाई वाले आर्द्रभूमि क्षेत्र है, इसमें दो जल स्टार्ट परसक त्योस और त्योस्कर को शामिल किया गया है, यह मीठे पानी की झील भी है। अगला, आईसीसी मैच रेफरी अंतरराष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है, सभी लोग जवाब जरूर देंगे, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर जिसको वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, 3 डॉट बिंदु पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी HD कर ले, एकदम साफ HD में चल रहा है, मुझे तो HD में दिख रहा है, आपको HD नहीं दिख रहा है, क्वालिटी बढ़ेगी, जल्दी जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए यहां पर प्रश्न नंबर 21 का क्या होगा जवाब, जीएस लक्ष्मी होगा, कैसे, 14 मई 2019 को भारतीय महिला क्रिकेट मैच रेफरी जीएस लक्ष्मी आईसीसी मैच रेफरी की अंतरराष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत में वर्ष के निम्न शहरों पर विचार के नीचे दिए कुल पर प्रश्न नंबर 22 है आपके लिए, तो भैया जवाब दीजिएगा, जंजीरा ये कहां पर है, इनमें कौन पश्चिमी तट पर है, अच्छा इसमें कौन पश्चिमी तट पर है, आपको ये बताना है कौन कौन पश्चिमी तट पर है। जंजीरा कहाँ है, महाराष्ट्र के रायगढ़ में, MH के रायगढ़ में है। उडुकी ये कर्नाटक का जिला है, ठीक है, ओरोविले ये कहाँ है, ये कोरोमंडल तट पर है, कहाँ पर, कोरोमंडल तट पर है, तमिलनाडु पुडुचेरी की सीमा पर, कहाँ पर, तमिलनाडु और पुडुचेरी की सीमा पर है। इस नगर का अधिकांश भाग तमिलनाडु में, कुछ भाग पुडुचेरी में है। तुतीकोरिन ये तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर है, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर। ये क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से दिखेगा, ये है आपका पश्चिमी तट, इनमें जंजीरा यहाँ पे है, ठीक, उडुकी यहाँ पर है, ओरोविले यहाँ पर है और तुतीकोरिन यहाँ पर है, इसलिए इसका उत्तर होगा 1 और 2, माने 1 और 2 माने ये, इस प्रश्न का सही जवाब होगा,
इस प्रश्न का सही जवाब है, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। 22 का एक होगा, ए और दो, और ये दोनों पूर्वी घाट पर, ये पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट, ठीक है। तो पूछा क्या है, पश्चिमी घाट। अगला अगला सवाल आपको यहां पे मिलाना है, दक्कन ट्रैप कब बना, दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में, क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में। पश्चिमी घाट का निर्माण कब हुआ, सेनोजोइक काल में, सेनोजोइक के उत्तर नूतन में, उत्तर नूतन में। अरावली कब बना, ये प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग में, ये सबसे पुरानी है। नर्मदा ताप्ती, अगर नर्मदा ताप्ती की बात करें तो नर्मदा ताप्ती कब आया, जलोढ़ निक्षेप से। ये कैसे आया, ये जलोढ़ निक्षेप से आया, अत्यंत नूतन काल में। ये क्या हो गया, अत्यंत नूतन काल में, ठीक। जलोढ़ निक्षेप किसमें आएगा, जो बचा जलोढ़ निक्षेप में हो। इस प्रश्न का उत्तर अब क्या होगा, आप कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक। कोई दिक्कत, करंट अफेयर सीरीज आपकी लगातार चल रही। अगला प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, क्योंकि ये जूनियर के फर्स्ट पेपर 50 प्रश्न की मैक 72 सीरीज है, जो आपको प्रतिदिन ई लर्निंग पे दुर्गेश पर लाइव चलती है। यहां पर है, भारत का संविधान किस अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। पांच राज्यों का चुनाव है, इस पांच राज्यों के चुनाव के नाते निर्वाचन आयोग आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। यार वीडियो को शेयर करिए, आपकी संख्या बढ़ने से कम होती जा रही है यार, आप इतनी मदद नहीं करेंगे तो यार हम कैसे क्लास आपकी डेली लेंगे, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मैं ज़्यादा तक शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूँ, 324, मैं सारे अनुच्छेद अब नहीं बताऊँगा, 324। इसके तहत अनुसूची 11-12 को छोड़कर भारत में जितने चुनाव होते हैं वो भारत निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। अगला, संविधान के किस प्रकार, किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है न एकत्रित किया जा सकता है, कहाँ पर कहा गया है, प्रश्न नंबर 25, बताइए जल्दी कमेंट करके। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से बताएं कहां पे कहा गया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 265, अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 266 क्या है, 266 क्या है, भारत और राज्यों की संचित निधियों पर लोक लेखा है। 300 क्या है, संघ एवं राज्यों के नाम से वाद और कार्रवाइयां। 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए। हमने चारों विकल्प को तोड़कर बता दिया, ये 50 प्रश्न की सीरीज है आपके लिए, ठीक। आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ, एकदम सिलेबस वाले प्रश्न है, जैसे आपके परीक्षा में आते हैं। प्रश्न नंबर 26, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। यार वीडियो को जरूर पहुंचाइए लोगों तक, आप लोग लाइक नहीं कर रहे, पैसे नहीं करते भाई, अगर इससे बेहतर कोई पढ़ा दे यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सिलेक्शन वाले क्लास है ये। मैं भी चाहता हूं आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। प्रश्न नंबर 26 का क्या होगा, सरोजिनी नायडू, एकदम आसान प्रश्न है, कहां की बनी थी, उत्तर प्रदेश की, कब, 15 अगस्त 1947 से, 15 अगस्त 1947 से कब तक, 2 मार्च 1949 तक, कहां थे, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश, अच्छा, विश्व की, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन होगी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कहां और किस राज्य में। अगला करंट के सवाल है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां स्थापित किया गया, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां स्थापित किया गया, बताइए जल्दी कमेंट बताइए, सभी लोग जल्दी कमेंट करिएगा। ये देखिए, ये राउरकेला होगा, क्या होगा, राउरकेला होगा, कैसे, ओडिशा के राउरकेला शहर में एक नए विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम स्थापना की जाएगी, इसका निर्माण बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राउरकेला में किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया, हाल ही में
किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया, जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी लोग फटाफट। ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से क्लास चल रही है आपके लिए पूरी तरह से निःशुल्क, ठीक है। ऑनलाइन क्लास या नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। देखिए हाल ही में इस प्रश्न का उत्तर होगा सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, आरबीआई सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड कोल्हापुर महाराष्ट्र को जारी बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया, ठीक है, क्योंकि यह वित्त वर्ष 2019-20 की दो तिमाहियों में न्यूनतम नेटवर्क की शर्त का उल्लंघन किया था। इसलिए इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार भारत का संशोधन जीडीपी संकचन क्या है, यहां पर होगा -7.8%। जी हाँ, ये करंट के सवाल है, ऐसे सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, लेबल उतना आसान नहीं है, पीसीएस से छोटी परीक्षा नहीं होगी, ये पीसीएस की तरह होगी, जूनियर शिक्षक भर्ती ये सभी के लिए अनिवार्य सीरीज है। यह भारत के एक अनुमान को संशोधित किया गया, जो पहले अनुमानित 11.8 थी, पहले कितनी थी, अनुमानित 11.8 थी, ठीक है, बाद में कितना होगा संशोधित, -7.8 था। यह कम संकुचन दर मुख्य रूप से COVID-19 के सहजता और दूसरी तिमाही में बेहतर अपेक्षित वसूली के कारण हुआ। अगला प्रश्न नंबर 30, ओह मिजोरम पुस्तक के लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओह मिजोरम पुस्तक के लेखक कौन है बताइए जल्दी कमेंट करके। आज किसी भी समस्या के लिए 11 बजे आपके लिए लाइव रहेंगे, 11 बजे जूनियर शिक्षक की रणनीति और आपके सवाल हमारे जवाब। ओ मिजोरम, यह भारत के उपराष्ट्रपति बताइए क्या होगा, अच्छा उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू है ना। 30 क्या होगा बताइए जल्दी से कमेंट करके, 30 क्या होगा सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का उत्तर होगा PS श्रीधरन पिल्लई, एकदम आसान है। यह क्या होगा, दो इस विकल्प का क्या होगा, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओह मिजोरम नामक पुस्तक का विमोचन किया। ओह मिजोरम को मिजोरम के गवर्नर PS श्रीधर पिल्लई ने लिखा, ये यहाँ के राज्यपाल थे, ये क्या थे, यहाँ के राज्यपाल थे, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दूसरा होगा। किसी भी सवाल के लिए 11 बजे लाइव आइएगा, ठीक, 11 बजे आप लाइव आइएगा सभी लोग, उसकी लिंक टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसके पहले क्लास को डिस्टर्ब ना करें, केवल पढ़ें, सबको सिलेक्शन लेना है, 40 दिन लगभग बचे हैं और अब की बार एक सीट हमार। किस सभा का अध्यक्ष उसकी सदस्य नहीं होता, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए यह होगा राज्यसभा, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है, जी हां, यह उसका सदस्य नहीं होता, यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किनसे अनुसार, अनुच्छेद 64 के अनुसार, क्लियर, कोई डाउट किसी को तो पूछ सकता है, यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचन इसका होता है उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वह राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, रट लीजिएगा। अगला मृदा अपरदन प्रक्रियाओं सही क्रम को पहचानिए, प्रश्न नंबर 32, जल्दी से कमेंट करिएगा सभी लोग, अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, प्रतिदिन रात 9:30 इलर्निंग विद दुर्गेश पर खंड क की स्पेशल क्लास अनिवार्य सभी के लिए। जी हाँ, प्रश्न नंबर 32 क्या होगा देखिए, जी हाँ जल्दी जवाब दीजिएगा, पहले आसफाल अपरदन, इसका मतलब क्या होता है, वर्षा की बूंदों को मिट्टी पर आघात से मृदा कणों के पृथक्करण को आसफाल या बौछार या बूंदाघाट अपरदन के नाम से जानते हैं, इसे आसफाल को बौछार या बूंदाघाट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बौछार या बूंदाघाट कहते हैं। परत अपरदन, इसका मतलब जब मिट्टी जल के साथ बहने लगती है उसे परत अपरदन कहते हैं।
रील अपरदन, जब मिट्टी में छोटी और कम गहरी नालिका बन जाती है। अवनालिका अपरदन, जब रील अपरदन की नालियां बड़ी होने लगती हैं। ठीक, इसके बाद क्या आती है, धारा चैनल अपरदन, जब एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपरदित करता जब तक कि वह स्थिर ढाल नहीं प्राप्त कर लेता। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा, ए क्या होगा सही जवाब होगा, यह परीक्षा वाले प्रश्न है। अगला अगला आपके सामने है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां स्थित है, जल्दी कमेंट करिएगा सभी लोग, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर है। अगर ऐसी क्लास यूट्यूब पे कोई पढ़ा दे तो पढ़ना छोड़ दीजिएगा। जी हाँ, ये गर्व है, सिलेक्शन वाली क्लास है। प्रश्न नंबर 33 का जवाब क्या होगा, जयपुर में, कहां पर है, जयपुर में। ठीक है, अगला, राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए कौन सा सही नहीं है, किसके लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तीन सही एक सही नहीं है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। ये क्लास आपके फेसबुक पेज इलेनी विद्रगेश, यूट्यूब चैनल इलेनी विद्रगेश पर निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय में प्रतिदिन रात 9:30 आपके लिए लाइव चलता है, तो जवाब जल्दी दीजिएगा, बताइए जल्दी कमेंट करके। भैया जल्दी जल्दी कमेंट करिए, वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। प्रश्न नंबर 34 का क्या होगा, देखिए, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी चुनाव अवश्य होना चाहिए। जी हाँ सही, माने अगले जो राष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। यदि किसी भी दशा में राष्ट्रपति का पद खाली है, चाहे मृत्यु दौरान, त्याग पत्र के दौरान, तो उसे 6 माह के अंदर भरना अनिवार्य है, चाहे महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। सही, बस का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल समाप्ति पर भी अपना पद बना रहेगा। जी हाँ, जैसे अगर अगला राष्ट्रपति, जब अगर कार्यकाल खत्म हो गया है, जब तक अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक पूर्व राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, यह भी सही है। राष्ट्रपति मंडल के अपूर्ण होने पर, ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित, जी नहीं, जैसे अगर किसी भी राज्य की, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं पूरा स्पष्ट कर दूंगा, यहाँ पे एक निर्णय आया था अनुच्छेद 54, मैं यहां पे थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कहा गया है कि इसके निर्वाचन मंडल में विधानसभा, लोकसभा, मतलब संसद दोनों सदन और विधानसभा, और दिल्ली पुदुचेरी के में जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य इसके निर्वाचन मंडल में भाग देंगे। लेकिन किसी भी राज्य की कोई, जैसे मान लीजिए भी उत्तर प्रदेश की मान लेते हैं, विधानसभा भंग हो जाए, क्या राष्ट्रपति चुनाव टाल देंगे, जी नहीं, तब भी चुनाव कराई जाएगी। माने किसी भी राज्य के राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मामले में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को इस आधार पर नहीं स्थगित किया जा सकता कि वहां पर किसी राज्य की विधानसभा भंग, जितने राज्य विधानसभा हैं उसके आदेश से, मतलब जो कुल मत होगा राष्ट्रपति का आदेश अधिक प्राप्त करेगा तो विजयी घोषित होगा। ठीक है, निर्वाचन नमौली अधूरी नहीं हो सकती, ठीक, इस आधार पर भंग नहीं की जा सकती। इस प्रश्न का उत्तर 4 जो गलत है वही सही है, याद रखिएगा, यूनिक प्रश्न है। अगला सवाल है, सिलेक्शन वाले प्रश्न, मैंने आपसे पहले वादा किया है, अब की बार एक सीट हमार, कौन सही नहीं है, 3 सही 1 सही नहीं। प्रश्न नंबर 35, देखिए, केएम मुंशी संविधान प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, सही बात, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, सही बात, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज समिति की, सही बात, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, जी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय है, कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक, यह गलत है, किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, और 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट है, क्या है, हाई कोर्ट है, इसलिए कौन सा कथन गलत है, वो प्रश्न गलत क्या होगा, डी, माने 35 का डी जो गलत है वही आपका सही है। क्लियर, कोई डाउट किसी को, कोई समस्या नहीं है ना, ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में आएंगे, परीक्षा वाले प्रश्न है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, इतना आसान नहीं है नौकरी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे सर जी कह दिए नौकरी, इतनी नौकरी आसान नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, अपना बेस्ट देना पड़ेगा, और 9:30 आप लोग लाइव आ जाए करिए, बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, लेकिन 9:30 50 नंबर की स्पेशल सीरीज। देखिए
भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है, कौन शामिल है जवाब दीजिएगा, प्रश्न नंबर 36। देखिए CRR SLR को कम करना सही है, बीमा क्षेत्र की निजी कंपनी का प्रवेश सही है, ब्याज दर अभिनय सही, इसका मतलब उपयुक्त सभी, डी प्रश्न का राइट आंसर होगा, डी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल करंट से जुड़ा हुआ है, भाई जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हो उतने लोग लाइक कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे, मैं बस इतना सपोर्ट करिए और बाकी हम अपना इतना बेस्ट देंगे कि सफलता आपके कदमों पर आएगी, बस आप मेहनत करिए। कौन सी शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना है, जवाब दीजिए 37 का, मुझे भी पता चले कि कितना आप लोग पढ़ते हैं। देखिए स्वच्छ भारत मिशन सही बात, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना सही है, स्मार्ट सिटी योजना सही है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। स्वच्छ भारत मिशन हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना माने हृदय, इसका नाम हृदय है, इसका नाम क्या है, हृदय योजना, ठीक है। स्मार्ट सिटी योजना तीनों शहरी अधोसंरचना विकास के लिए घोषित की गई नई योजनाएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ, अब है करंट का सवाल, ठीक। किस बैंक ने भारत में 100 BFSI फर्मों में शीर्ष रैंक प्राप्त किया, 38 नंबर, जी हाँ HDFC बैंक, यह मूवर्स एंड शेकर्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार इसे 100वां स्थान मिला। देखिए ICICI बैंक की बात करें, ये दूसरे पे रहा, और स्टेट बैंक तीसरे पे रहा, ये पहले पर और ये दूसरे पर और ये तीसरे पे, ठीक। सेहत योजना को किस केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जाएगा, सेहत योजना जल्दी बताइए, सेहत योजना किस जगह शुरू की जाएगी, सेहत योजना जल्दी से कमेंट कर बताइए, सेहत योजना किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में शुरू की जाएगी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर 2020 को, कब 26 दिसंबर 2020 को कहां से, जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक। सोशल एडवेंचर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन सेहत, इसका फुल फॉर्म लिखना चाहे लिख लीजिएगा, जी हाँ सोशल एंडवेयर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, ठीक। जम्मू कश्मीर के निवासी 5 लाख तक के स्वास्थ्य कवर के लिए मुफ्त कैशलेस उपचार प्रदान करेगा, प्रथम 99 धनात्मक पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, जल्दी कमेंट कर बताइएगा, प्रश्न नंबर 40 जवाब दीजिएगा। देखिए पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे दो, ये रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। किसी भी प्रश्न के लिए आप 11 बजे लाइव आइएगा, जो इसके अलावा कोई सवाल हो सिलेबस के अलावा कि क्या भरेगा, कौन फार्म भरेगा, कौन फार्म नहीं भरेगा, वो सब 11 बजे, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, पढ़ने पे ध्यान दो, मैसेज पर नहीं। अगला है, किस बैंक ने भारत में विस्तार करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया, बताइए। देखिए इसका उत्तर होगा ICICI बैंक ने, इसने इसका उद्देश्य भारत में व्यापार स्थापित करने है, विस्तार करने के लिए विदेशी कंपनियों का समर्थन करना है, यह बैंकिंग समाधानों के साथ साथ मूल्यवर्धित सेवा, व्यवसाय इकाई लाइसेंस पंजीकरण, कॉर्पोरेट फाइलिंग, HR सेवा, इनके लिए पेश करेगा। भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS सुजीत कहां की कमीशन किया गया है, यह गोवा, कहां पे, गोवा, भारतीय तटरक्षक गोवा में कमीशन किया गया, यह भारतीय समुद्री रक्षक का परिचालक क्षमता को बढ़ाएगा ताकि विविध समुद्री कार्यों का निर्वहन किया जा सके, यह भारतीय तटरक्षक बल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप में बनाया गया है, 105 मीटर की OBP उन्नत प्रौद्योगिकी है, नेविगेशन है, संचार उपकरण है, सेंसर आदि से सुसज्जित है। अगला,
जल्दी से कमेंट करिए यार, वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए ऑनलाइन क्लास से नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि समय कम है। क्रैश कोर्स आप पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। ये क्लास मेरे द्वारा पूरी तरह से निःशुल्क है, देश हित में, राष्ट्र हित में। ठीक, कोई सवाल है तो जरूर पूछ सकते हैं। देखिए सर्वशिक्षा अभियान कब आया, सर्वशिक्षा अभियान कब आया भैया, जवाब दीजिए। 2001 में प्रधानमंत्री जनधन योजना, 2014 सौभाग्य योजना, 2017 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा वाले प्रश्न है। अब की बार एक सीट हमारे 50 नंबर की सीरीज है यार, 9:30 प्रतिदिन चलती है लर्निंग विद दुर्गेश पर, और करंट की स्पेशल सीरीज सुबह 6:30 नैनो करंट अफेयर की मैगजीन, टॉप 20 करंट अफेयर सुबह 6:30। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्राप्त किया, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। हाल ही में किसने लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्राप्त किया, जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइए। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। अब की बार एक सीट हमार, जल्दी जवाब दीजिए। सभी साथी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये करंट के सवाल है भैया, करंट के सवाल है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, नरेंद्र मोदी होगा। क्या होगा? नरेंद्र मोदी होगा। कैसे? देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया। यह लीजन ऑफ मेरिट उच्चतम डिग्री चीफ कमांडर के साथ प्रस्तुत किया गया, जो केवल राज्य या सरकार के प्रमुख को दिया जाता है। यह पुरस्कार मोदी को उनके दृढ़ नेतृत्व और दृष्टि की मान्यता में पुरस्कार दिया गया। वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उद्भव को गति दी, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए यूएसए और भारत की रणनीति में साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से क्लास लाइव चलती है, इसलिए जौनपुर लिखा गया है। अगला सवाल आपके लिए, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, नेक बताइए। पहला, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। प्रश्न नंबर 45, ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। भारत का अपना एक संविधान है, बताइए सभी लोग। सभी लोग बड़बड़ कमेंट कर बताइएगा। हम भारत के लोग, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, माने भारत के लोकतांत्रिक देश है, सही बात। लोकतंत्र शासन का रूप होता है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लेते हैं। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये दोनों सही है, लेकिन ए आर सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, बी। दोनों सही है लेकिन इसकी सही व्याख्या ये नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा क्या होगा, वो बी होगा। समझ में आया आप लोग को कि नहीं? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अगला सवाल, भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, जल्दी कौन के बताइए। समवर्ती सूची क्या है, यह अनुसूचित 7 में आती है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो भी कानून होते हैं उनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दी जाती है। जल्दी से कमेंट कर बताइएगा सभी लोग। प्रश्न नंबर 46 क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा सभी साथी मित्र। अब की बार एक सीट हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल है जिनमें दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। काबा क्या है, प्रश्न नंबर 47, सभी लोग फटाफट कमेंट करें काबा क्या है। जी हां, ऑनलाइन क्लास और नोट्स के सभी के लिए, चाहे भाषा हो, गणित हो, साइंस हो, एसएसटी हो, सभी के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे। कितने लोग ऐसे जो अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, वो दुर्गेश सर सर्च करके इलेनी विद दुर्गेश, या इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक से जरूर जुड़ जाएंगे। हर क्लास की लिंक आपको यहां पर मिल जाएगी।
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इतना आसान नहीं है नौकरी। जी हाँ, 47 क्या होगा? मुस्लिम धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहां पे क्या होगा? काबा सऊदी अरब के मक्का में है, मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल है। कुरान के अनुसार काबा का निर्माण इब्राहिम एवं उनके पुत्र इस्माइल द्वारा किया गया। विश्व के सभी मुसलमान काबा की ओर उन्मुख होकर ही नमाज पढ़ते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई? जल्दी जवाब दीजिएगा। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जल्दी कमेंट करिए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। ये क्लास प्रति रात 9:30 बजे चलती है लर्निंग विद दुर्गेश पर, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। 23 मार्च 1931 को, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? शहीद दिवस। और 30 जनवरी को शहीदी दिवस, क्योंकि गांधी जी को गोली मारी गई थी यहां पे, गांधी जी को 30 जनवरी 1949 को। ठीक है, अंतर क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहां पे? देखिए, इनके ऊपर 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था, दोनों को गिरफ्तारी हो जाती है, मुकदमा चलता है। ठीक, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फिर 23 मार्च 1931 को फांसी दे जाती है, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है 23 को। इस दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 48, 49 और 50। जल्दी कमेंट करके बताइए सभी साथी। ये डेली क्लास आपको लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध होती है, उसके लिए आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। किसी भी क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मेरी क्लास आपको निःशुल्क देशी में राष्ट्रीय में उपलब्ध है। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा सभी साथी, सभी लोग बताइए कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? जवाब जल्दी दीजिएगा सभी लोग। देखिए, प्रश्न नंबर 49 कब होगा? इस प्रश्न का उत्तर, ये 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, बंगाल विभाजन की। लेकिन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। बंगाल विभाजन का प्रभावी हुआ 1605 को, प्रभावी हुआ क्या चीज? बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर को। सारे प्रश्न को नोट करिए, ये सिलेक्शन वाले प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा की गई। 7 अगस्त को 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से लागू होता है, प्रभावी होता है। ठीक है, अगला, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताएं। 20 अगस्त 1828 में हुई थी। आगे चलकर ब्रह्म सभा जो था, ब्रह्म समाज, आगे चलकर ब्रह्म सभा समाज बनता है। इसे मूर्ति पूजा का विरोध किया, ब्रह्म की पूजा को उपदेश दिया। ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इन नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत में मानवता पात्र के प्रेम जीवन को जगाया। ठीक है, इनमें मानव विवेक, वेद, उपनिषद आदि इनके प्रमुख सिद्धांत थे। आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। अन्य सभी क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश। आज रात 11 बजे सुपर टेट की एक रणनीति के साथ हम आपके साथ आ रहे हैं, जहां पे आपके सभी प्रश्नों का जवाब हम लाइव देंगे। रात 11 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, अपने सभी प्रश्न शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए पूछ सकते हैं।
कब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। 9:30 बजे करंट की सीरीज, 8:30 बजे विज्ञान की स्पेशल सीरीज, 7:15 बजे SST स्पिल सीरीज स्पेशल, 6:30 बजे SST स्पेशल, फिर आपका 5:00 बजे संस्कृत, 2:00 बजे गणित की सीरीज, सुबह 6:30 बजे करंट की सीरीज। इस तरह सुबह से 6:30 से लेकर रात के 11:30 बजे तक लगातार आपके लिए क्लास चलती है। इसलिए आप सभी साथी ई लर्निंग में दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा, अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, और किसी भी प्रश्न के लिए रात 11:00 बजे लाइव आइएगा। बुक का नाम, किताब का नाम, कौन फॉर्म भरेगा, कैसे भरेगा, सभी की जानकारी आपको वहां पर उपलब्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे यार आपके, ठीक है। जय हिंद। प्रतिदिन रात 9:30 बजे, ठीक है।